Dear students, welcome in the lecture series on reaction mechanism of octahedral complexes. तो आपका स्वागत है बच्चों इस लेक्चर सीरीज में जहां पर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की रिएक्शन मैकेनिज्म को डिस्कस कर रहे थे और हम स्पेशली जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के बारे में और आउटर स्फीयर मैकेनिज्म से स्पेशली हम क्रॉस रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. इससे पहले जो लेक्चर था पार्ट 9 वहाँ पर हमने डिस्कस किया था सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शंस की रिएक्शन मैकेनिज्म को. तो उसके बाद हमने देखा कि जो क्रॉस रिएक्शंस हैं उनके रेट जो है वो हायर होते हैं सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन से. तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मार्कस एंड हर्श ने भी जो है इस मैकेनिज्म को इस रेट ऑफ रिएक्शन की बात को कैसे सपोर्ट किया था. तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्रॉस रिएक्शंस. जो क्रॉस रिएक्शन है हम किसे कहते हैं, क्योंकि हम सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शंस को पढ़ चुके हैं. सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शंस का मतलब है कि जो मेटल सेंटर हैं जिनके बीच में एक्सचेंज होने वाला है, रेडॉक्स रिएक्शन होने वाली है, जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने वाला है, वो सेम मेटल सेंटर है. आयरन 2+ एंड आयरन 3+, तो इनके बीच में जब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा ये Fe2 से इलेक्ट्रॉन Fe3 में जाएगा. तो आप देख रहे हैं कि ऐसा लगेगा कि कोई रिएक्शन में हो ही नहीं रही है, कोई नो नेट रिएक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो सिमिलर है जैसे रिएक्टेंट है. लेकिन अगर हम क्रॉस रिएक्शन को देखेंगे तो रिएक्शन किसके बीच में होगी, एक मेटल सेंटर, दो डिफरेंट मेटल सेंटर्स के बीच में रिएक्शन होगी. इसलिए ऐसा क्या होगा, यहाँ पर नेट केमिकल रिएक्शन होगी. जो Fe2 है वो Fe3 में कन्वर्ट हो गया और जो MO5 है वो MO4 में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. तो इस तरीके की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, क्रॉस रिएक्शंस कहते हैं. अब जो क्रॉस रिएक्शंस होती हैं उनका जो रेट होता है वो फास्टर होता है सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन से. ये हमने पहले लेक्चर में भी कहा था. तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है क्रॉस रिएक्शंस का वो क्यों सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन से अधिक होता है, इसको हम किससे समझेंगे. इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड चेंज इन फ्री एनर्जी. इसको हम चेंज इन फ्री एनर्जी के टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे और मार्कस एंड हर्श ने जो थ्योरी बताई उसके अकॉर्डिंग भी जो प्रूफ होता है वो यही होता है कि जो क्रॉस रिएक्शन होती हैं उनकी रेट जो है वो सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन से अधिक होता है. तो आप देखेंगे कि व्हेन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट की एनर्जी अधिक है और प्रोडक्ट की कम है तभी रिएक्शन होगी, ये तो आप जानते ही हैं. तो अगर एक की एनर्जी, रिएक्टेंट की एनर्जी अधिक है और प्रोडक्ट की कम है तो जो फ्री एनर्जी कर्व होगा, जो प्रोफाइल होगा वो सिमेट्रिक नहीं आएगा. ठीक है, सिमेट्रिक नहीं होगा एंड देयर इज अ डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन. और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो फ्री एनर्जी में क्या आएगा, डिक्रीज होना चाहिए, तभी वो रिएक्शन पॉसिबल है. आप जानते हैं कि जितनी फ्री एनर्जी कम होगी उतनी फिजिबल रिएक्शन होगी. तो जो जब रिएक्शन होगी तो फ्री एनर्जी चेंज क्या होना चाहिए, फ्री एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए. और फ्री एनर्जी डिक्रीज जितना अधिक होगा उतनी फास्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगी. लेट्स सी द एनर्जी प्रोफाइल कर्व्स ऑफ सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शंस एंड क्रॉस रिएक्शंस. तो यहाँ पर हमने एनर्जी प्रोफाइल जो कर्व है वो बनाया है और हम ये कह रहे हैं कि ये जो वाई एक्सिस है ये डेल्टा जी है और जो एक्स एक्सिस है वो रिएक्शन कोऑर्डिनेट है. तो आपसे हमने ये कहा कि अगर रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी में डिफरेंस होगा तो ये जो कर्व होगा ये हमेशा एसिमेट्रिक आएगा, ये इस तरीके का नहीं आएगा. देखिए ऐसा, क्योंकि ये जो एनर्जी है, जो एनर्जी आप देखेंगे, जो एनर्जी रिएक्टेंट की है और प्रोडक्ट की है वो बराबर नहीं है, तो सिमेट्रिक कर्व नहीं है, ये एसिमेट्रिक कर्व है, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी अधिक है और प्रोडक्ट की का है कम है. तो ये हम कह रहे हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगी तो डेल्टा जी यहाँ पर है और ये डेल्टा जी कम हो गई, तो ये जो चेंज है ये क्या होगा, माइनस में, यानी जी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. आप देख रहे हैं जी यहाँ थी और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगी तो जी यहाँ आ जाएगी.
ठीक है। और ऐसा ही क्या होगा क्रॉस रिएक्शन में भी होगा कि ये जो रिएक्टेंट्स की फ्री एनर्जी है और जो प्रोडक्ट की जो फ्री एनर्जी है वो कम है, इसलिए डेल्टा जी क्या होगी, डिक्रीज होगी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। बट आप ये देखिए जो ये डिक्रीज है, देखिए मैं आपको इसको डिफरेंट कलर से दिखाती हूं, ये जो डिक्रीज है देखिए ये डिक्रीज है, दिस इज द डिक्रीज इन डेल्टा जी आप कह सकते हैं। और यहाँ पर जो डेल्टा जी में डिक्रीज हो रहा है वो ये हो रहा है, इतना अमाउंट है। तो अब आप खुद देख लीजिए कि कहाँ पर डेल्टा जी में डिक्रीज अधिक हो रहा है, किसमें हो रहा है, क्रॉस रिएक्शन में। और हमने कहा कि जितना डिक्रीज होगा उतनी फास्ट क्या होगी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगी, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो उतना ही स्टेबल होगा, इसीलिए क्रॉस रिएक्शन जो है वो फास्टर होती है सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन से। और इसको एक्सप्लेन किया मार्कस एंड हुश थ्योरी ने। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो K12 हमने लिखा है, K12 इज इक्वल टू K11 K22 के, ये कैपिटल K है, K12 F की पावर हाफ, जहां पर K1 एंड K22 ये क्या है, रेट कांस्टेंट्स ऑफ सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शंस। और ये जो K12 है ये रेट कांस्टेंट ऑफ क्रॉस रिएक्शन है, जबकि K12 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्रॉस रिएक्शन का। और F एक ऐसा फैक्टर है जो कि डिफरेंस बिटवीन फ्री एनर्जी ऑफ टू रिएक्टेंट को क्या करता है, उसको करेक्ट करता है, करेक्शन फैक्टर है एक, जो कि लगभग 1 के बराबर इसकी वैल्यू होती है। तो अब ये जो K है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आप जानते हैं इसका जो रिलेशन होता है डेल्टा G से वो क्या होता है, डेल्टा G जीरो इज इक्वल टू माइनस R इन K12, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये इसके अकॉर्डिंग जो ये K है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, G के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना माइनस में ये रिलेशनशिप है, जितना अधिक K12 होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू होगा उतनी कम क्या होगी, फ्री एनर्जी, और जितनी कम फ्री एनर्जी होगी उतनी फास्टर रिएक्शन होगी। तो ये जितना अधिक होगा, ये कब अधिक होगा, जब K12 अधिक होगा, ओके। तो ये अधिक होगा जब K12 अधिक होगा, रेट कांस्टेंट अधिक होगा, और तब जो है डेल्टा जी क्या होगी, नेगेटिव में होगी। तो जनरली क्या होता है, ये जो वैल्यू है K12 इज ग्रेटर देन K11 इन K22, ये मार्कस हश थ्योरी बताती है, जिसको हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं। देखिए एक रिएक्शन है, ये क्रॉस रिएक्शन है, RU का कॉम्प्लेक्स है, Fe का कॉम्प्लेक्स है, ये जब रिएक्शन कर रहे हैं तो RU थर्ड एंड Fe2 बना रहे हैं। यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस रिएक्शन का वो है 2.1 × 10⁻¹¹. इस रिएक्शन के लिए जो सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन हैं वो क्या है, ये जो RU का कॉम्प्लेक्स है प्लस RU3 इज इक्वल टू RU3 प्लस RU2, तो एक तो ये सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन है, और दूसरा हम Fe की 3 प्लस स्टेट और Fe की 2 प्लस स्टेट के बीच में रिएक्शन करेंगे, तो ये इसकी सेल्फ रिएक्शन है। तो ये दो सेल्फ रिएक्शन है, इनकी क्रॉस रिएक्शन क्या है, ये है। तो ये जो सेल्फ रिएक्शन है इसका जो रेट कॉन्स्टेंट है वो है 4.0 × 10³ लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, जबकि आयरन के लिए जो सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है K22 वो कितना है, 4.2 लीटर मोल सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इसकी हेल्प से, जबकि हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि जो F है वो 0.85 होता है, तो हम इसकी हेल्प से K12 निकाल सकते हैं, दिस इज द रेट कॉन्स्टेंट फॉर क्रॉस रिएक्शन। तो रेट कॉन्स्टेंट क्या आ गया, देखिए 5.87 × 10⁷। और अगर आप इसे देखेंगे कि 10⁷ है, तो ये देखिए हायर है किससे, 10⁷ एंड 4.2। तो ये क्या है, दिस इज K11 एंड दिस इज K22, और K11 K22 से बहुत अधिक कौन है, आप देखेंगे जो K12 है। तो हम ओवरऑल यही कहना चाह रहे हैं जो क्रॉस रिएक्शंस हैं वो किनके बीच में हो रही हैं, डिफरेंट मेटल सेंटर के रिएक्टेंट्स के बीच में, और ये एक नेट केमिकल रिएक्शन शो करता है। और हम ये कह रहे थे कि ये जो क्रॉस रिएक्शंस हैं ये फास्टर होती हैं एज कम्पेयर टू सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शंस, क्योंकि हम इसके एनर्जी प्रोफाइल से बता सकते हैं कि ये जो डेल्टा जी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के दौरान जितना नेगेटिव होगा उतना फास्ट रिएक्शन होगी, क्रॉस रिएक्शन में ये माइनस डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो हाई होती है, इसलिए ये फास्ट होता है। इसको हम मार्कस एंड हर्श थ्योरी से बताएंगे, जहाँ पर आप
देखेंगे जो जो रेट कांस्टेंट होता है क्रॉस रिएक्शन का वो हमेशा हायर होता है K11 एंड K22 यानी सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन से, और अगर के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उस पर डेल्टा जी डिपेंड करता है। और इसको हम इस एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि जो रेट कांस्टेंट है क्रॉस रिएक्शन का वो किससे अधिक होता है, सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन के रेट कांस्टेंट से क्या होता है, अधिक होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रॉस रिएक्शंस एंड द इफेक्ट ऑफ द रेट, द इफेक्ट ऑफ क्रॉस एंड सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शंस ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। सो थैंक यू वेरी मच।